हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.5 और क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं। क्वेश्चन जो सॉरी वो हमसे डिलीट हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन जो था वो हमसे कह रहा था, जो हमारा दिया गया है, ये जो हमारी कथन दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार हमें समीकरण बनानी है और समीकरण को हमको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है, चाहे वो विलोपन हो, चाहे वो हमारी प्रतिस्थापन हो, चाहे वर्ज पूर्णखंड विधि हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्होंने कहा नहीं कि इसी विधि से आप करो। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, हमारा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा चौथे का दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न जो है वो हमारी क्या है, x/y। ठीक है, तो इसमें हमारा अंश क्या है, x है, और y क्या है, हमारा हर है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिए, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माना अंश बराबर माना हर बराबर। ठीक है, चाहे जैसे कर लो। अब हम काम करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो शर्त एक जो है वो हमसे क्या कह रही है, ये कह रही है शर्त एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। तो 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, मतलब अंश से छेड़खानी की जाती है, y से कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको समीकरण में चेंज कर लेते हैं, 3 की गुणा इससे करेंगे, y की गुणा इससे करेंगे, मतलब कैची गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 की गुणा x से हुई, फिर ये 3 हो जाएगा, और 3y की गुणा 1 से तो y हो गया। ठीक है, y को इधर ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये हमने समीकरण एक मान लिया समीकरण एक। अब हम क्या करेंगे भाई, शर्त दो जो है उसके अनुसार काम करेंगे। तो शर्त दो जो है इन्होंने कहा है, भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब इस बार अंश से कोई छेड़खानी नहीं, हर में 8 छेड़खानी की जा रही है, 8 जोड़ दिया जा रहा है, इसमें भी हम कैची गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 4 की गुणा हुई हमारी x से, 4x हुआ बराबर y, 1 की गुणा ही इससे, तो हमारा वही का वही आ गया। अहम भाग सबको इधर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करते हैं कुछ काम अच्छा वाला, जैसे कि हम यहाँ पे वर्जगुणनखंड विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो x के नीचे नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं x को इधर खिसका देती हूँ, उधर रोशनी पड़ रही है, हैं? ठीक है, अब सही है, तो x के इधर लिखेंगे, तो इधर हमारा क्या लिखा जाएगा, जो y का गुणांक होगा, तो इसमें y का गुणांक माइनस 1, इसमें y का गुणांक माइनस 1। फिर अब हमें जो c वाला टर्म है, मतलब तीसरा वाला अचर पद जो है वो लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे माइनस का 8 है। फिर हमारा a वाला मतलब x का गुणांक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है। ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है, मैं सामने ही खड़ी हो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, फिर हमारा यही लिख दिया जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, वज्र बनाना है, इसकी गुणा इससे, 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 इसकी गुणा इससे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x लिखेंगे, बटा खींच लेंगे बड़ा सा, इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, मतलब प्लस का 8 आ गया, माइनस हमारा फार्मूले वाला है ये, इसकी गुणा इससे की तो प्लस आया, प्लस का 3। ठीक है,
तो लेकिन माइनस जो था वो फार्मूले का है, तो ये थोड़ी ना हटाएंगे, इसको प्लस थोड़ी ना कर देंगे, ये तो हमारा फार्मूले का है, ठीक है। इसकी इसकी जो गुणा की वो हमारा प्लस का आया था, ठीक है। बराबर वाई करेंगे, इसकी गुणा इससे, तो तीन चक्कू बारह, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस ये हमारा फार्मूले वाला, इसकी इसकी गुणा करिए, तीन अठे चौबीस, वो भी माइनस का। माइनस का आया है तो इसको माइनस का चौबीस ब्रैकेट में लिख दो अलग, ठीक है। और दो हमारे इंसान एक साथ नहीं हो सकते हैं ना, इसीलिए हमने अलग से ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक लिखेंगे हम, तीन की गुणा माइनस एक से, माइनस का तीन, और चार की गुणा माइनस एक से, माइनस का चार, ठीक है। और माइनस हमारा फार्मूले वाला, ठीक है। आया समझ में? क्या करेंगे, ये क्या बचा, आठ बटे पाँच बचा, ये हमारा क्या हुआ, वाई बटे माइनस का बारह, माइनस माइनस प्लस हो गया, चौबीस लिख दिया, बराबर एक बटे माइनस तीन, माइनस माइनस प्लस हो गया चार। फिर हमारा एक्स बटे क्या है, पाँच ही था, यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा प्लस का बारह आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस का एक आएगा, ठीक है। इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है, मान निकल के आ जाएंगे। एक्स बटे फाइव इज इक्वल टू एक बटे एक, फिर क्या ची गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर अभी ये नहीं है, मैं तो भिन्न बतानी है ना, ठीक है। आंसर मतलब इसी से बनेगा, आ गया है। अब हम क्या करेंगे, y बटे बारह करेंगे, बटे बराबर में एक बटे एक करेंगे, मतलब y का मान जो है हमारा क्या आ जाएगा, बारह आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या बनी जाके, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए भिन्न जो हुई वो हमारी क्या हुई, x बटे वाई था, ठीक है। तो x का मान क्या है, पाँच, y का मान बारह, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इस चैनल को भी।